संस्कार स्टडीज के YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का जीके, और राजस्थान जीके में अपने जो टॉपिक चल रहा था राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान की जो कला संस्कृति है उसमें आज एक नया टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं जिसका नाम है राजस्थानी लोक चित्रकला। राजस्थानी जो चित्रकला है, राजस्थानी चित्रकला पिछले वीडियो में हमने पढ़ ली थी, और राजस्थानी चित्रकला में मैंने आपको बताया था कि जो चित्रकारों के नाम हैं वो आपको अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि चित्रकारों में से परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। आज का जो टॉपिक है अपने राजस्थानी लोक चित्रकला, तो इस राजस्थानी लोक चित्रकला में से भी परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, तो देखते हैं राजस्थानी लोक चित्रकला। लोक चित्रकला और राजस्थानी लोक चित्रकला है उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं फड़ चित्रण की, पट चित्रण या फड़ चित्रण। तो क्या है ये फड़ चित्रण सबसे पहले देखते हैं, और परीक्षा में सीधा सीधा प्रश्न इसी का पूछा जाता है। फड़ का चित्रण होता है, और ऑप्शन मिलेंगे कपड़े पर, कागज पर, लकड़ी पर, इनमें से कोई नहीं, ऐसा ऑप्शन आता है आपको। तो कपड़े पर, कपड़े पर याद रखना, कपड़े पर देवी देवताओं की जीवनी का चित्रांकन, पूरी जीवनी, कपड़े पर देवी देवताओं की पूरी जीवनी चित्रों की सहायता से, और लिखा नहीं जाता उस पर, कुछ चित्र बनाए जाते हैं, चित्रों की सहायता से पूरी जीवनी लिख दी जाती है, जिसको कहते हैं फड़ चित्रण। तो फड़ चित्रण याद रखना, कपड़े पर देवी देवताओं की जीवनी का जो चित्रांकन है, अंकन है, उसको बोलते हैं फड़ चित्रण। और फड़ चित्रण के लिए सिद्ध हस्त माना जाता है शाहपुरा भीलवाड़ा का जोशी परिवार। शाहपुरा भीलवाड़ा, शाहपुरा जयपुर में भी है, लेकिन यहां फड़ चित्रण की अगर हम बात करें तो शाहपुरा भीलवाड़ा, शाहपुरा भीलवाड़ा का जोशी परिवार है जो इसमें सिद्ध हस्त माना जाता है फड़ चित्रण में। और फड़ चित्रण के लिए ध्यान रखना, एक व्यक्ति है जिनका नाम है पांचोजी जोशी। शाहपुरा भीलवाड़ा के पांचोजी जोशी ने सबसे पहले इस फड़ चित्रण की शुरुआत की थी, फड़ चित्रण को ख्याति दिलाई थी पांचोजी जोशी ने। कहा? शाहपुरा भीलवाड़ा, सॉरी, फड़ चित्रण शाहपुरा भीलवाड़ा, पांचोजी जोशी ने इसकी शुरुआत की। एक नाम आपको याद रखना है पार्वती जोशी का, राजस्थान की पहली महिला फड़ चितेरी, राजस्थान की पहली महिला फड़ चितेरी, नहीं, फड़ बनाने वाली पहली महिला कौन है, तो पार्वती जोशी, ये पूछा गया है पार्वती जोशी के लिए, राजस्थान की पहली महिला फड़ चितेरी कौन है, तो पार्वती जोशी। ये भी कहां से संबंधित है, शाहपुरा भीलवाड़ा से संबंधित है। और एक नाम आपको याद रखना है श्री लाल जोशी, श्री लाल जोशी इस फड़ चित्रण को, फड़ चित्रण को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने वाले कलाकार कौन हैं, तो श्री लाल जोशी, श्री लाल जोशी हैं जिन्होंने फड़ चित्रण को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई है, श्री लाल जोशी। याद रख सकते हैं हम शाहपुरा भीलवाड़ा का जोशी परिवार, फड़ चित्रण में सिद्ध हस्त कौन माना जाता है, तो शाहपुरा भीलवाड़ा का जोशी परिवार इसमें सिद्ध हस्त है। फड़ चित्रण कहां का प्रसिद्ध है, तो शाहपुरा भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। फड़ चित्रण किस पर किया जाता है, तो कपड़े पर किया जाता है, कपड़े पर देवी देवताओं की जीवनी का अंकन क्या कहलाता है, फड़ चित्रण। एक नाम आपको याद रखना है दुर्गालाल जोशी, दुर्गालाल जोशी के लिए याद रखना, दुर्गालाल जोशी को 1967 में फड़ चित्रण के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया, फड़ चित्रण के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया दुर्गालाल जोशी को 1967 में। एक नाम आपको याद रखना है शांतिलाल जोशी, शांतिलाल जोशी, और शांतिलाल जोशी को 1993 में
फड़ चित्रण के लिए राष्ट्रपति पदक दिया गया, राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया शांतिलाल जोशी को 1993 में, दुर्गालाल जोशी को दिया गया 1967 में। इसके साथ ही साथ याद रखना शांतिलाल जोशी को 2006 में फड़ चित्रण के लिए पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है, पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है किसको, शांतिलाल जोशी को 2006 में इस फड़ चित्रण कला के लिए। तो ये सारे के सारे जो व्यक्ति हैं कहां से संबंधित है, शाहपुरा भीलवाड़ा, दुर्गालाल जोशी शाहपुरा भीलवाड़ा, शांतिलाल जोशी शाहपुरा भीलवाड़ा, तो शाहपुरा भीलवाड़ा से संबंधित है ये, यानी फड़ चित्रण कहां का प्रसिद्ध है, शाहपुरा भीलवाड़ा का। कपड़े पर चित्रांकन किया जाता है और चित्र बनाए जाते हैं, चित्र बना करके सारी जीवनी दर्शा दी जाती है। जिस लकड़ी की कलम, लकड़ी की जो डंडी आती है कलम जिसको बोलते हैं, जिस लकड़ी की कलम की सहायता से ये फड़ चित्रण किया जाता है उस लकड़ी की कलम को कहा जाता है पुड़ी, क्या कहा जाता है, पुड़ी कहा जाता है उस लकड़ी की कलम को। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, पुड़ी कहा जाता है ये याद रखना, यानी फड़ चित्रण जिस लकड़ी की कलम या लकड़ी की डंडी से फड़ चित्रण किया जाता है उसको पुड़ी कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा फड़ चित्रण के लिए ध्यान रखना, फड़ जो फड़ बनाई जाती है उस फड़ में लाल रंग से तो नायक का चित्रांकन किया जाता है और काले रंग से खलनायक का चित्रांकन, जहां जहां काले रंग का चित्र है वो खलनायक जो होता है उसका चित्रांकन होता है और लाल रंग से नायक का चित्रांकन किया जाता है। हालांकि बाबूजी की जो फड़ है उसमें बाबूजी की जो घोड़ी है केसर काल में उसको भी काले रंग से चित्रांकन किया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खलनायक है, लेकिन ज्यादातर बता रहा हूं ज्यादातर लाल रंग का प्रयोग नायक के लिए और काले रंग का जो प्रयोग है वो खलनायक के लिए किया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस फड़ चित्रण में जब फड़ फट जाती है तो उस फड़ को पुष्कर जलाशय में, पुष्कर तीर्थ में ले जाकर के विसर्जित कर देते हैं, जिसको कहते हैं फड़ ठंडी करना। फड़ के फट जाने पर उसको पुष्कर में ले जाकर के विसर्जित कर देते हैं, जिसको बोलते हैं फड़ ठंडी करना, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा फड़ कौन कौन से लोक देवी देवताओं की है, तो याद रखना बाबूजी की फड़, एक तो बाबूजी की फड़ है, बाबूजी की फड़ के लिए ध्यान रखना राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़, राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है, तो बाबूजी की फड़ राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ मानी जाती है और इस बाबूजी की फड़ का वाचन नायक जाति के भोपे या परीक्षा में आ सकता है आयड़ी जाति, नायक जाति के भोपे या आयड़ी जाति के जो भोपे होते हैं वो एक वाद्य यंत्र आता है रावण हत्था, रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ में रात्रि के समय वाचन बाबूजी की फड़, नायक या आयड़ी जाति के जो भोपे होते हैं वो रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ में, रावण हत्था वाद्य यंत्र बजाते हुए रात्रि के समय इसका वाचन करते हैं। रावण हत्था के लिए याद रखना बहुत बार परीक्षा में आ चुका है, आधे कटे नारियल से कौन सा वाद्य यंत्र बना होता है, रावण हत्था, और रावण हत्था कौन सी श्रेणी में आता है, तो तत् वाद्य यंत्र, जो वाद्य यंत्र होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं, एक वीडियो लेकर के आऊंगा मैं आपके लिए अलग से वाद्य यंत्रों का, जिसमें वाद्य यंत्रों के प्रकार, सभी वाद्य यंत्रों के प्रकार बताऊंगा, क्योंकि इनमें से भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र तत् है, कौन सा सुषिर है, तो रावण हत्था के लिए याद रखना तत् वाद्य यंत्र है। जो वाद्य यंत्र होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं, सुषिर या फूंक वाद्य यंत्र, तत् वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र और घन वाद्य यंत्र। तार के जो बने होते हैं वो तत्, यानी तार से जिनमें ध्वनि उत्पन्न हो वो तत् वाद्य यंत्र होते हैं, फूंक देकर जो बजाए जाते हैं, फूंक देने से ध्वनि उत्पन्न होती है वो सुषिर वाद्य यंत्र होते हैं,
जिन पर चमड़ा मढ़ा होता है वो अवनद वाद्य यंत्र होते हैं, और जो दो धातुओं को टकराने से जिनमें ध्वनि उत्पन्न होती है धातु के जो बने होते हैं वो घन वाद्य यंत्र। तो रावण हत्ता तत्व वाद्य यंत्र है और रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ वाचन किया जाता है बाबूजी की फड़ का। सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है? बाबूजी की फड़। और इस बाबूजी की फड़ में बाबूजी की जो घोड़ी है केसर कालमी, याद रखना अच्छे से, परीक्षा में पूछा गया है केसर कालमी किसकी घोड़ी है, तो बाबूजी की घोड़ी का नाम क्या है? केसर कालमी है। इसको किस रंग से दिखाया गया है, किस रंग में चित्रित किया गया है? काले रंग में चित्रित किया गया है, ये बात भी ध्यान रखना आप। बाबूजी की घोड़ी केसर कालमी को बाबूजी की जो फड़ है उसमें किस रंग से चित्रित किया गया है? काले रंग से चित्रित किया गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं हम देव नारायण जी की फड़। देव नारायण जी की फड़, गुर्जर जाति के आराध्य देवता देव नारायण जी, और देव नारायण जी की फड़ की बात हम करते हैं। देव नारायण जी, देव नारायण जी की जो फड़ है उसका वाचन गुर्जर जाति के भोपे, गुर्जर जाति के जो भोपे होते हैं वो एक वाद्य यंत्र आता है जंतर वाद्य यंत्र। ये जो जंतर वाद्य यंत्र है ये भी तत्व वाद्य यंत्र है, यानी तार को बजाने से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो जंतर वाद्य यंत्र के साथ में वाचन करते हैं देव नारायण जी की फड़ का। कौन है? गुर्जर जाति के भोपे। देव नारायण जी की जो फड़ है वो राजस्थान की सबसे लंबी, राजस्थान की सबसे छोटी और राजस्थान की सबसे पुरानी फड़ है। अगर राजस्थान की सबसे पुरानी फड़ पूछे तो भी देव नारायण जी की है, राजस्थान की सबसे छोटी फड़ देव नारायण जी की और सबसे लंबी फड़ भी देव नारायण जी की है, जिसका वाचन जंतर वाद्य यंत्र के साथ गुर्जर जाति के भोपों के द्वारा रात्रि के समय में किया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये जो देव नारायण जी की फड़ है इसमें एक तो सर्प, सर्प की आकृति और एक देव नारायण जी का जो घोड़ा है जिसका नाम है लीलागर, इस लीलागर सर्प और लीलागर को किस रंग में दिखाया गया है, चित्रित किया गया है? हरे रंग में चित्रित किया गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। देव नारायण जी की फड़ में सर्प और लीलागर को किस रंग में चित्रित किया गया है? तो हरे रंग में चित्रित किया गया है। और देव नारायण जी की फड़ पर भारत सरकार द्वारा 1992 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी हो चुका है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसे कौन से लोक देवता है जिनकी फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया? तो देव नारायण जी की फड़ पर 1992 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी हो चुका है। इसके अलावा 2011 में खुद देव नारायण जी पर भी डाक टिकट जारी हो चुका है। दोनों बातें याद रखनी है। अगर फड़ पर डाक टिकट पूछे तो फड़ पर डाक टिकट जारी हुआ था 1992 में, और देव नारायण जी पर डाक टिकट पूछे वो जारी हुआ था 2011 में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देव नारायण जी की फड़ के लिए भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो फड़ है वो है रामदेव जी की फड़, और रामदेव जी की फड़ के लिए याद रखना रामदेव जी की जो फड़ है उसको कामड़ जाति के भोपे, कामड़ जाति के भोपों के द्वारा रामदेव जी की फड़ का वाचन किया जाता है। जो रामदेव जी की फड़ है वो भी कौन सा वाद्य यंत्र? रावण हत्था वाद्य यंत्र, रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ में बाची जाती है रामदेव जी की फड़। और अभी मैंने आपको बताया रावण हत्था वाद्य यंत्र किससे बना होता है, तो आधे कटे नारियल से बना होता है रावण हत्था वाद्य यंत्र। और कौन सी श्रेणी में आता है? तत्व वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक फड़ है रामदला, रामदला और कृष्ण दला, रामदला और कृष्ण दला की फड़। ये जो रामदला और कृष्ण दला की फड़ है इसके लिए याद रखना भाट जाति, भाट जाति के जो भोपे होते हैं भाट जाति के भोपों के द्वारा हाड़ोती क्षेत्र में, भाट जाति के भोपों के द्वारा हाड़ोती क्षेत्र में वाचन किया जाता है रामदला कृष्ण दला की फड़का। और याद रखना इसमें किसी वाद्य यंत्र,
किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी बिना वाद्य यंत्र के, वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं, किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता राम दला कृष्ण दला की फड़ में। और एक बात और याद रखना, एकमात्र फड़ है जिसका वाचन दिन में किया जाता है, राम दला कृष्ण दला की फड़। अलग अलग क्वेश्चन हो गए, राम दला कृष्ण दला की फड़ किसके द्वारा बाची जाती है, भाट जाति के गोपों के द्वारा। राम दला कृष्ण दला की फड़ का वाचन कहां किया जाता है, हाड़ोती क्षेत्र में किया जाता है। ऐसी कौन सी फड़ है जिसका वाचन की बिना किसी वाद्य यंत्र के होता है, नहीं किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग इसमें नहीं होता है, किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता राम दला कृष्ण दला की फड़ में। और दिन में एकमात्र फड़ जिसका वाचन दिन में किया जाता है तो रामदला कृष्ण दला की फड़ है जिसका वाचन दिन में किया जाता है। इसके अलावा एक फड़ है भैंसासुर की फड़, तो भैंसासुर की फड़ के लिए ध्यान रखना, भैंसासुर की जो फड़ है वो एकमात्र ऐसी फड़ है जिसका कभी वाचन नहीं किया जाता, भैंसासुर की फड़ ऐसी फड़ है जिसका कभी वाचन नहीं किया जाता। बागरी या बावरी जाति के लोग जब चोरी करने के लिए, बागरी या बावरी जाति के लोग जब चोरी करने के लिए जाते हैं तो पूजा करते हैं किसकी, भैंसासुर की फड़ की, और पूजा करने के बाद चोरी के लिए जाते हैं, तो ऐसी फड़ जिसका कभी वाचन नहीं होता भैंसासुर की फड़। एक है अमिताभ बच्चन की फड़, तो मारवाड़ क्षेत्र, मारवाड़ के रामलाल भोपा और पतासी भोपी ने मिलकर बनाई अमिताभ बच्चन की फड़, और इसका वाचन वो जगह जगह पर करते हैं जिसमें अमिताभ बच्चन को सदी का महानायक बताया गया है। इस अमिताभ बच्चन की फड़ का वाचन अमेरिका में भी हो चुका है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये कुछ लोक देवी देवताओं, सॉरी देवताओं की फड़ है, देवियों की भी फड़ बनाई जाती है, देवताओं की भी, लेकिन जो परीक्षा में आता है वो ज्यादातर देवताओं के लिए, जिन फड़ों के लिए परीक्षा में पूछा जाता है वो मैंने लगभग आपको सारी बता दी है। फड़ चित्रण, तो याद रखना फड़ चित्रण जो है वो राजस्थानी लोक चित्रकला के अंतर्गत ही आता है, और कपड़े पर चित्रांकन किया जाता है।